हेलो दोस्तों, वेलकम 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 बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जी, जो हर महीने हमें वेट होते हैं जिस चीज के बारे में कि भाई बैकलॉग्स का क्या चल रहा है, हमारा रिजल्ट कब आ सकता है, क्या हम फ्यूचर में कुछ होप लगा के रख सकते हैं, या फिर अभी भी भाई बुरा हाल है, कुछ नहीं कह सकते, क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा। इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी, ठीक है। मजेदार वीडियो होने वाली है भाई, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, बहुत इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। तो जी मैं बता दूं, हमारे पास भाई डेटा आ गया है, डेटा आ गया जी हमारा 31st of March 2024 तक का डेटा भाई हमारे पास आ गया जी, ठीक है जी। आपको याद होगा भाई, लास्ट मंथ भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें हमने 29th है, मतलब एक महीने पहले की हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वही डेटा हमारे पास आता है भाई, ठीक है जी। तो ये डेटा जो आज हम शेयर करने वाले हैं, तो ये डेटा है जी 31st of March तक का, ठीक है। बट बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है भाई, ठीक है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूंगा भाई, कि भाई बैकलॉग बेसिकली होता क्या है, बैकलॉग एप्लीकेशन होती क्या है भाई। फॉर एग्जांपल, जैसे आज की मैं बात करता हूं, इंडिया से अगर आप विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करते हो कनाडा के, तो 22 डेज का प्रोसेसिंग टाइम है, वहीं पे पाकिस्तान का है जी 106 दिन आज की डेट में, ठीक है जी। और वर्क परमिट की बात करता हूं भाई, इंडिया से आप अप्लाई करते हो तो 20 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम है, पाकिस्तान से करते हो 39 वीक्स का है। स्टडी परमिट का भाई आउटसाइड कनाडा, अगर आप अप्लाई करते हो जी फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, तो उसका है भाई प्रोसेसिंग टाइम 14 हफ्ते का। अब ये हो गया भाई स्टैंडर्ड सर्विस टाइम, ठीक है जी। जो प्रोसेसिंग टाइम होता है भाई बेसिक एप्लीकेशन का, वो यही चल रहा है आज की डेट पे। अब मान लो भाई स्टडी परमिट का जो प्रोसेसिंग टाइम है, स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम है, वो है जी 14 हफ्ते का, और रिजल्ट 14 हफ्ते तक नहीं आया, 15 हफ्ते हो गए, 16 हफ्ते हो गए, मतलब वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो बैकलॉग में चली गई, वो बैकलॉग कंसीडर होगी। ये तो हो गया भाई आपका बैकलॉग का कॉन्सेप्ट, ये होती है आपकी बैकलॉग की एप्लीकेशन, क्लियर है जी। अब आपको पता है भाई, बातें तो बहुत चल रही थी, इनके पास बहुत एप्लीकेशंस बैकलॉग में है भाई, ठीक है ना, बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिनका विद इन प्रोसेसिंग टाइम, विद इन स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम रिजल्ट नहीं आया। तो जी मैं आपको डेटा बता देता हूँ कि भाई अभी क्या हो रहा है, क्या हमें थोड़ी सी उम्मीद अभी भी है कि भाई जल्दी लोगों के रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो जी हमारे पास भाई जो डेटा निकल के आया, एज ऑफ 31st of March जो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन है, वो है जी बैकलॉग में 47,400 की, जो ये वो एप्लीकेशन है जो सिटीजनशिप की, जो भाई विद इन स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम जो था उससे बाहर निकल चुकी है, ठीक है जी। वहीं पे भाई अगर पीआर की बात करते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी की जो एप्लीकेशन है, 3,06,000, ठीक है जी। और टेम्पररी रेजिडेंट्स भाई 5,38,600 भाई, मतलब 5.5 लाख के आसपास ऐसी एप्लीकेशंस हैं। जब मैं टेम्परेरी की बात करता हूं, उसमें भाई विजिटर वाले भी आ जाएंगे, वर्क परमिट वाले भी आ जाएंगे, और आपके स्टडी वाले भी आ जाएंगे, क्लियर हो गया भाई। जो टोटल मिला के हमारे पास एज ऑफ 31st of March जो एप्लीकेशंस पड़ी हुई है भाई बैकलॉग में, वो है जी 8,92,000। ओ हो 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 8,92,000, 8,92,000, ये वो एप्लीकेशंस है भाई जो अभी भी बैकलॉग्स में है। जस्ट इमेजिन यार, ओहो लोगों ने कितनी फीस भर दी होगी भाई इमिग्रेशन वालों को, और रिजल्ट भाई ऑलरेडी इनका फिर बैकलॉग में चली गई। ओ गॉड यार, 8,92,000 विच इज एक्चुअली अ वेरी 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 हाई नंबर। लेकिन थोड़ी सी इसमें अच्छी चीज हुई है, एक पॉजिटिव चीज हुई है भाई, वो क्या हुई है, वो ये हुई है कि भाई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये जो नंबर है वो कम हुआ है जी, ठीक है। लास्ट ईयर अगर मैं टेम्पररी रेजिडेंट्स की बात करता हूं, 5,46,500 था भाई उसका नंबर, जो कि कम होके जो 31st of March तक का डेटा हमारे पास आया है, तब हो गया जी 5,38,600,
अगर मैं सिर्फ टेम्पररी रेजिडेंस की एप्लीकेशंस की बात करता हूं तो भाई ये डेटा कम हुआ है। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं ना, ये सुन लो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एज ऑफ फेब्रुवरी 29, 8,99,200 ऑलमोस्ट 9 लाख के पास का नंबर था भाई, जो बैकलॉग्स का नंबर था एज ऑफ फेब्रुवरी 29, जो कि कम होके मार्च 31 तक 8,92,000 रह गया। तो ये पॉजिटिव चीज है कि भाई नंबर कम हुआ है। आई नो भाई आप कहोगे इतना क्या हो गया, कौन सा ज्यादा नंबर कम हो गया। मानता हूं भाई ज्यादा नंबर कम नहीं हुआ, बट कुछ तो कम हुआ है ना, कुछ तो कम हुआ, नीचे जा रहा है। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज, अगर मैं पिछले 4 महीनों का भाई डेटा निकालता हूं ना, थोड़ी सी आपको उम्मीद, ये थोड़ी सी उम्मीद और दे देगा, ठीक है। मैं बता देता हूं भाई, जो बैकलॉग्स था भाई दिसंबर 31 की बात करता हूं, उस टाइम पे था 9,49,500 9,49,500 के आसपास, ठीक है जी। और जनवरी 31 को 2024 जब आया भाई 9,30,000 हो गया, मतलब 19,20,000 एप्लीकेशंस आपकी बैकलॉग से कम हो गई। वहीं पे अगर मैं फरवरी की बात करता हूं भाई 8,99,000 मतलब 9 लाख के आसपास का नंबर आ गया, मार्च में उससे कम हो गया। तो जी ये भाई एक पॉजिटिव चीज है मेरे हिसाब से कि भाई बैकलॉग कम हो रहा है, बट मुझे लगता है कि जब तक ये नंबर 8 लाख, फिर उसके बाद 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख, ठीक है जी, 4 लाख, 3 लाख, मतलब मुझे लगता है भाई जब ये 3-4 लाख रह जाएगा ना, फिर मुझे लगता है हमें थोड़ा सा ये लगेगा चलो यार अब तो कम हो जाएंगे। बट अभी तो भाई 8-9 लाख के आसपास का अगर नंबर हो, टू हाई, बहुत ज्यादा नंबर है यार ये, बहुत ज्यादा। और बैकलॉग्स की एप्लीकेशन है यार, अगर विद इन स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम होता फिर भी मान जाता, बट आई बिलीव कि भाई इस पर अच्छा खासा इस पे अच्छे खासे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, मेहनत हो रही है भाई, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेहनत हो रही है। एंड इस पे जल्दी जल्दी भाई रिजल्ट भी दिए जाएंगे, बैकलॉग की एप्लीकेशंस भाई क्लियर की जाएंगी, है ना, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है यार डेफिनेटली, है ना। एंड किसी का भाई केस 2 साल से लटका पड़ा है, 1.5 साल लटका पड़ा है, तो भाई जल्दी जल्दी सबका रिजल्ट आना चाहिए, मैं तो यही भाई एंड उम्मीद करता हूँ, राइट। एंड आई होप कि इमिग्रेशन वाले थोड़ा सा और भाई टेक्नोलॉजी को लेके आए, थोड़ा सा और मैन पावर बढ़ाएं और ये एप्लीकेशन तो यार क्लियर करें। मैं तो कहता हूं भाई यही सोच लें कि भाई 3-4 महीने इन पे ही ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा हमने दूसरी एप्लीकेशन ज्यादा लेनी नहीं है, चलो वो चीज पॉसिबल है नहीं वैसे, बट हाँ हम कड़ी नजर रखेंगे भाई आने वाले टाइम में होता क्या है। बट अभी के लिए ये है कि थोड़ी सी पॉजिटिव चीज नजर आई है कि जी बैकलॉग की जो एप्लीकेशंस है वो कम हो रही हैं, अगर मैं पिछले 4 महीनों की बात करता हूं, ठीक है। तो भाई ये था जी आज का टॉपिक, आज की डिस्कशन। आई होप आपको कुछ ना कुछ एटलीस्ट आइडिया हो गया होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो भाई और ऐसी अपडेट्स के लिए एफसी संगीत का चैनल फॉलो करो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ टॉपिक एंड डिस्कशन। टिल देन स्टे सेफ, अपना ध्यान रखना, बाय बाय गाइस, एंजॉय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।